नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए साल की शुरुआत दिल्ली की जामा मस्जिद से की। 1 जनवरी को यहां उन्होंने देश और दुनिया के लिए नमाज पढ़ी। पड़ताल के दौरान इंटरनेट पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे पुष्टि हो सके कि 1 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जामा मस्जिद गए थे। इस पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए हमने फोटो को गूगल पर रिवर्स सर्च किया। पड़ताल में सामने आया कि अरविंद केजरीवाल की यह फोटो 4 जुलाई 2016 को आप पंजाब के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई थी। फोटो रमजान माह की है जब केजरीवाल पंजाब में मलेरकोटला गए थे। यहाँ रोजा खोलते समय उनकी फोटो ली गई थी। पोस्ट में पंजाबी भाषा में एक लाइन लिखी है, इसे हमने गूगल की मदद से ट्रांसलेट किया। यहाँ लिखा है, आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। खबर से जुड़े कीवर्ड सर्च करने पर हमें फोटो एजेंसी गेटी इमेजेस पर इस मौके की और भी कई फोटोज मिली। एजेंसी के मुताबिक सभी फोटो 4 जुलाई 2016 को ली गई थी। पड़ताल से साफ है कि फोटो 4 साल पुरानी है। 1 जनवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल के जामा मस्जिद जाने की बात झूठी है। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी वायरल हो रही खबर का सच जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हम उसका सच आपको बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।